पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लाजपत नगर में श्री राम कथा मंचन समिति द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल और महामंत्री विनोद सक्सेना ने बताया कि पिछले 28 वर्षों से लाजपत नगर रामलीला मैदान में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित लीला का सफलतापूर्वक मंचन किया जा रहा है, जिसको भारतवर्ष में विख्यात वृंदावन के स्वामी श्री घनश्याम भारद्वाज जी के निर्देशन में श्री ब्रज लोक लीला संस्थान के कलाकारों द्वारा नवीन साज सज्जा के साथ, नवीन प्रसंग और आकर्षक दृश्य के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। रामलीला का आयोजन 23 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस वर्ष रामलीला के मुख्य आकर्षण 25 सितंबर को राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो वहीं 27 सितंबर को धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर होगा। 28 सितंबर को राम बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 3 अक्टूबर को हनुमान जी की 250 फुट से उड़ान भरेंगे और हनुमान जी की उड़ान आसपास के जिलों में कहीं नहीं होती। तो वहीं 5 अक्टूबर को रावण दहन होगा, जो महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के विशाल मैदान में किया जाएगा। पत्रकार आप सब लोग विदिती हैं, अधिकांश पत्रकार बंधु जो है हमारे, लगभग हर वर्ष ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। हमारे यहाँ मैं विनोद सक्सेना, महामंत्री श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर। हमारे यहाँ इस रामलीला का आयोजन वृंदावन से आई हुई ब्रज रोग संस्थान श्री घनश्यामदास भारद्वाज द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला की विशेषता ये है कि हमारी रामलीला शुद्ध रूप से रामायण के ऊपर ही आधारित होती है। इसमें इधर उधर का कोई भी जो रामायण से अलग के विषय हैं, उन विषयों पर रामलीला का मंचन नहीं किया जाता। हमारे यहाँ विगत वर्षों से आप सब लोग देख ही रहे हैं, जैसा कि विदित है, कि रामलीला एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं महानगर के सभी महानगर वासियों से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हमारी रामलीला में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ आकर पधारने का कष्ट। आपका नाम पूछ जानना चाहेंगे, शुभ नाम आपका, और कब से ये मतलब कार्यक्रम चला जा रहा है? श्री रामकथा मंचन समिति लाजपत नगर, जिसका मैं महेश अग्रवाल अध्यक्ष हूँ, श्री मुकुल श्री विनोद सक्सेना जी महामंत्री हैं, श्री मुकुल बंसल जी उस अध्यक्ष हैं, और श्री राजेंद्र अग्रवाल जी जो यहाँ के मुख्य संयोजक हैं, और श्री गोविंद गुप्ता जी इनके सहयोगी हैं, और इसके अलावा भी हमारे जितने भी बकरीबन 52 मेंबर हैं, सभी लोग मिलकर के श्री रामकथा मंचन समिति के द्वारा 28 वर्षों से इस रामलीला मैदान में श्री रामकथा की जो रामलीला होती है उसका मंचन करवाते आ रहे हैं। इस वर्ष जो रामलीला हमारी जो शुरू हो रही है वो 23 सितम्बर से शुरू हो रही है, और जो कि 6 अक्टूबर तक चलेगी। इसका जो 23 तारीख को जो उद्घाटन है वो मंडलायुक्त द्वारा अनंज कुमार जी द्वारा किया जाएगा, और उसमें मतलब हमारे समिति के सभी लोगों और बाकी सभी लोगों एकत्रित होते हैं, और इसका जो मंचन है जो अपने ब्रज के बहुत ही विख्यात श्री घनश्यामदास भारद्वाज जी द्वारा इसका मंचन किया जा रहा है, और इसमें विशेष आयोजन जो होता है हनुमान जी की 250 फीट ऊपर से संजीवनी बूटी लेकर के उड़ान होती है, और ये बहुत ही ये शहर के बीचम बीच में ऐसा स्थान है जिसके अंदर बहुत ही सुंदरता के साथ ये रामलीला का मंचन किया जाता है।